बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूँ सहरिश और आप देख रहे हैं लाइव करके। दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही खास है, मेरे खास दोस्तों के लिए बहुत ही खास वीडियो आज मैं लेके आई हूँ। बहुत ही रिक्वेस्टेड वीडियो, मैंने इतनी ज़्यादा इस वीडियो की रिक्वेस्ट आई है कि मुझे ये वीडियो बनानी पड़ी कि अपनी जो है रूटीन आप शेयर करें कि आप मेकअप जो है वो अपना किस तरह से रिमूव करती हैं। तो आज मैं ये नाइट में वीडियो बना रही हूँ, इस टाइम तकरीबन 12 o'clock हो चुके हैं, तो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के लिए एक वीडियो बनाऊँ जिसमें मैं अपना मेकअप जो है वो तो रिमूव कर ही रही थी, तो सोचा ये वीडियो आप लोगों के लिए बना ली जाए ताकि आप लोगों को देखने वालों को भी आसानी हो। तो लेट्स स्टार्ट अपनी। इम्पोर्टेंट जो हम लोगों को चीज़ चाहिए होती है वो क्या होती है, अच्छे से किसी भी कंपनी के वाइप और टिश्यू, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा आप मेकअप जो है वो किस तरह भी रिमूव नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को क्या बताऊं जी, सबसे पहले मुझे यहाँ पे ये मेरे पास कोकोनट ऑयल है, किसी भी ब्रांड का आप कोकोनट ऑयल ले सकते हैं। मैंने इसको इस तरह से अपने हैंड के ऊपर लिया, कुछ कतरे इसके लिए हैं, बहुत ज़्यादा नहीं लिए, ठीक है। इसको मैंने अच्छी तरह से अपने चेक्स अपनी चिन के ऊपर और अपने फोरहेड के ऊपर अच्छी तरह से मैंने नहीं लगाया इसको, अपनी आईज पे और अपने लिप्स पे, ठीक है। आप टिश्यू के साथ आप अपने इस चीज़ को साफ़ कर सकते हैं जहाँ पे आप लोगों ने कोकोनट ऑयल मैंने लगाया था। अच्छा जी, यहाँ जिन एरियाज़ पे मैंने कोकोनट ऑयल लगाया था मैं वो सारा रिमूव कर चुकी हूँ, ठीक है, और ये आपके सामने है। नेक्स्ट मुझे क्या करना है, मुझे अपना आईज़ मेकअप रिमूव करना है और लास्ट में मुझे अपनी लिपस्टिक जो है वो रिमूव करूँगी। आईज़ मेकअप साफ़ करने के लिए सबसे ज़बरदस्त चीज़ जो है वो वैसलीन है, किसी भी ब्रांड का आप ले सकते हैं, ठीक है। मेरे पास यहाँ वैसलीन है, मैंने इसको इस तरह से, अगर कॉटन बर्ड यूज़ कर सकते हैं आप तो आप कॉटन बर्ड लगा लीजिए और हल्के हाथों से इस पर करें, ये ना हो आप अपनी लैश जो है वो सारी की सारी तोड़ दें, क्योंकि मैं लैश जो है वो फेक लैश यूज़ कम करती हूँ। बहुत ही हल्के हाथों से मैंने इस पर मसाज किया है। गाइस सी, मेरा सारा आईज मेकअप जो है वो रिमूव हो चुका है। अभी आपने टिश्यू लेना है, हल्के हाथों से आपकी आईज़ के ऊपर और अपनी आईज़ के नीचे आपने अच्छी तरह से, आईज़ बहुत सेंसिटिव होती है इस वजह से मैंने आईज़ मेकअप जो है वो अलग से रिमूव किया है, और बिल्कुल भी मेरा मस्कारा लगाया हुआ था, लाइनर लगाया हुआ था, शेड लगाया हुआ था, कुछ भी मेरी आँख में नहीं गया आपके सामने, बिल्कुल ईजी हूँ। नेक्स्ट रह गई थी हमारी लिप्स की बारी, और हम लोगों ने मैट लिपस्टिक लगाई होती है, तो मैट लिपस्टिक आपको पता है थोड़ी मुश्किल से उतरती है, लेकिन हम लोग ट्राई करेंगे इंशाल्लाह। और मैं इसके लिए जो है यूज़ कर रही हूँ, यहाँ पे मेरे पास जॉनसन ऑयल है, तो मैं अपनी लिप्स के ऊपर थोड़ा सा मैंने अपने हैंड के ऊपर ले लिया है बिलीव मी, ये जो लिपस्टिक मैंने अभी उतारी है ओके जी, मैं ओके जी। नेक्स्ट स्टेप है मेरा
क्लिनजिंग का, कोई भी आपके पास क्लिनजर है आप उसके से क्लिनजिंग कर सकते हैं। यहाँ पे मेरे पास डॉक्टर डर्मा का क्लिनजर है, ठीक है, तो मैं इसके साथ अपने फेस को अच्छी तरह से क्लीन कर लूँगी। अब नेक्स्ट स्टेप में मेरा यहाँ पे मेरे पास डॉक्टर रशीर रोज़ ऑयल ग्लो आइज जेल ग्लैम है, ठीक है, ओके, ये इसके अंदर आप देखिए गिर जाएगा एक्चुअली। ओके लेट्स, मैं इसको इसको मैं थोड़ा सा अपने इस तरह से, और मुझे इसको आंखें और इसके अंदर से बहुत ही खूबसूरत रोज़ की स्मेल जो है वो आ रही है। आपने 10 से 20 सेकंड तक आपने इस तरह से, 1 मिनट तक भी अगर आप कर लेंगे तो आपकी आईज़ को बहुत ज़्यादा सुकून होगा। इस तरह से अपनी आईज़ को आपने रिलैक्स करना है, और ये मैं डेली करती हूँ, इट्स नॉट फेक। क्योंकि डेली हम लोगों ने इतना मेकअप जो है वो अपने फेस के ऊपर कर रखा होता है, तो रात को 5 मिनट जो है वो हमारे फेस को मिलने चाहिए हमारे। ओके, अब मुझे टिश्यू के साथ आप फेस को किसी भी अच्छे टोनर की ज़रूरत होती है, और अच्छे टोनर के सबसे अच्छा टोनर जो है वो हमारे पास रोज़ वाटर के सिवा, रोज़ वाटर बहुत ही अच्छा टोनर है। अच्छी तरह से इसको अपने फेस के ऊपर मैंने अप्लाई किया। आप देख सकते हैं मैंने फेस अपना बहुत अच्छी तरह से नीट एंड क्लीन कर लिया है। अब नाइट में जो भी मैं आप लोग नाइट क्रीम अप्लाई करते हैं वो आप नाइट क्रीम जो है वो यूज़ कर सकते हैं। मैं नाइट क्रीम नहीं यूज़ करती हूँ, बहुत कम यूज़ करती हूँ, कभी कभी यूज़ करती हूँ। और नाइट क्रीम यूज़ करने का तरीका भी यही होता है कि आप नाइट क्रीम को 2 दिन लगाएं हफ्ते में, या फिर वीक में आप 3 डेज़ उसको लगाएं, और 2 डेज़ के लिए आप उसको रेस्ट दें अपने फेस को, कुछ भी मत लगाएं। अच्छा, यहाँ पे मेरे फेस के ऊपर अक्सर पिंपल्स बन जाते हैं, जिस जगह पे मुझे आप पिंपल्स मेरे देख रहे हैं उस जगह पे मैं यहाँ पे ये डर्मोवेट एंड क्रीम है मेरे पास, मैं ये अपने फेस के ऊपर डर्मावेट एंड क्रीम है ये अप्लाई करूँगी, जहाँ जहाँ मुझे पिंपल है जस्ट वहाँ वहाँ। ट्यूब एक्चुअली पिंपल्स के लिए है, निशान के लिए नहीं है कि आपके जहाँ निशान है आप वहाँ लगाएं। जस्ट यहाँ पे आपका फ्रेश पिंपल है, आपने इसको वहाँ पे लगाना है, तो जहाँ जहाँ मुझे फ्रेश पिंपल थे मैंने इनको इसको वहाँ पे लगा लिया।
अब पूरी नाइट के लिए मुझे इसी तरह से रहना है और मुझे इसी तरह से सोना है। ये मेरी डेली की रूटीन है जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। ऐसा कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं लगाया, ऐसा कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं किया जो मैं डेली रूटीन में नहीं करती हूँ। तो गाइस, आज मैं जितने भी प्रोडक्ट्स यहाँ पे यूज़ किए हैं सबके सब अफोर्डेबल हैं। आप लोग अच्छे से अच्छा क्लिनजिंग भी अगर लेते हैं, अच्छे से अच्छा मेकअप रिमूवर भी लेते हैं, तो उसका भी आपको इतना अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा जितना मैं आपको डेफिनेटली 100% आप लोगों को कह सकती हूँ कि जितना इन चीज़ों के साथ आप लोगों को अच्छा रिजल्ट मिलेगा। इसके साथ आपका पिंपल नहीं बनेगा, आपकी स्किन रैश नहीं होगी, आपकी स्किन खराब नहीं होगी, आपकी आईज पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, आपकी लिप्स खराब नहीं होगी, आपकी लिप्स पिंकी होंगे 100% श्योरिटी के साथ। मैं अपने लिप्स के ऊपर, अच्छा अभी लास्ट में मैं आपको लोगों को ये बताऊं कि मैं अपने लिप्स के ऊपर रात को सोते वक्त वैसलीन जो है वो लाजमी लगाती हूँ, कोई भी चैपस्टिक कुछ भी यूज़ नहीं करती हूँ। तो मैं यही बस लाइट सी अपने लिप्स के ऊपर वैसलीन लगा लेती हूँ और ये मेरे नेचुरल लिप्स हैं। मैं कोई भी लिपस्टिक नहीं यूज़ करती हूँ, कम यूज़ करती हूँ, बहुत कम यूज़ करती हूँ। और जब लिपस्टिक को रिमूव करती हूँ इसी तरह से वैसलीन के साथ रिमूव करती हूँ ताकि लिपस्टिक जो है वो अपना कलर जो है वो सारे का सारा ले ले, ताकि ब्लैकिश जो है वो हमारे लिप्स जो है, अक्सर लोगों के लिप्स जो है वो काफ़ी ब्लैकिश होते हैं, इसी वजह से होते हैं कि वो लिपस्टिक अच्छी तरह से रिमूव नहीं करते, उसी तरह से नाइट में लिपस्टिक के साथ सो जाते हैं। तो लिपस्टिक रात को रिमूव करने के बाद अपने लिप्स के ऊपर वैसलीन ज़रूर लगाया करें, उसके साथ आपके लिप्स जो है इस तरह से पिंकी पिंकी। सो गाइज, आपने देख लिया है किस तरह से मैंने अपने फेस के ऊपर से सारा का सारा मेकअप जो है वो रिमूव कर लिया है। अभी इस टाइम आप मेरा फेस जो है वो मेकअप के बगैर देख सकते हैं, कुछ खास फर्क नहीं है, थोड़ा सा डिफरेंस है। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आप लोगों ने मेरी वीडियो को देखा, आप लोगों ने मुझे इतना प्यार दिया। जो भी मेरे चैनल पर नए हैं, मुझे पहली बार देख रहे हैं, फ्रेंड्स प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जो भी नई नोटिफिकेशन हो वो आप लोगों तक आ सके, जो भी मैं वीडियो बनाऊँ आप लोगों तक आ सके। बेल आइकन को ज़रूर पुश करें और मुझे एक अच्छा सा कमेंट जो है मेरी वीडियो के नीचे मुझे लाजमी कमेंट्स किया करें। मैं आप लोगों के कमेंट्स का बहुत इंतज़ार करती हूँ और पढ़ती हूँ, उनका रिप्लाई भी करती हूँ। और मेरी वीडियो को लाइक करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। गुड नाइट।